हेलो एवरीवन, आज हम और एग्जांपल पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग के। तो चलिए आइए देखते हैं हम कुछ और एग्जांपल्स को। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है आपके पास सल्फर 8 का है। सल्फर जो होता है वो 8 एटम्स कंबाइंड होते हैं तब एक सल्फर का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर पाता है। तो हमने अभी सल्फर के मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करना है कि किस तरह से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सल्फर है, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा 16 होता है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोशन, तो उसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो उसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अभी हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सल्फर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 8 एलिमेंट्स हैं हमारे पास कार्बन सल्फर के। तो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 4 5 6, चलिए इस स्ट्रक्चर को हमने इसका क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना और बॉन्डिंग करनी है। हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन अपने नेबरिंग एटम से ले लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हमारे पास रूल क्या था, अगर ये एलिमेंट इस एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके साथ अपना भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। तो इसी तरह ये भी इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे ले लेगा। तो क्या हो गया, इसका भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इससे लेगा और एक अपने नेबरिंग दूसरे एटम से लेगा। तो इसका भी जो ऑक्टेट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेम इन दिस केस ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 6 अपने पास थे, एक नेबरिंग से लिया और एक इधर वाले एटम से ले लिया। यहां पर भी हमारे पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, एक इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सल्फर है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से भी इसका क्या हो गया, हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फाइन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि शेयरिंग हो रही है। अगर एक एलिमेंट नेबरिंग एटम से 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, तो उनके साथ अपना भी एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। तो ये हमारे पास जो है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है। सल्फर 8 का हमें क्या बनाना था, कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाना था। इसके बाद एक और हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर, जो लास्ट टाइम फाइनल एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए ये देखते हैं इधर कि किस तरह से वो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा बेंजीन का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6 है। तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। फाइन, और ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो कार्बन कितने हैं, सबसे पहले हमारे पास 6 कार्बन आर देयर, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन आर देयर। फाइन, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम उनको 4 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने की एक टेक्निक है, बड़े आराम से देखिए। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के बाहर वाली साइड पे रखने हैं, जितने हाइड्रोजन वहां पर है। आपको पता चल रहा है 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, इट मीन्स हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर रखना है, ताकि उसकी शेयरिंग में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो नीट एंड क्लीन फॉर्म होगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हमने दे दी, अब एक एक हाइड्रोजन वहां पर आ जाएगा। अभी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ किया, अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, उसको किस तरह से ड्रॉ करना है ध्यान रखिएगा। आपने जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस तरह से ड्रॉ किए। वन थिंग यू शुड रिमेम्बर कि अगर इस साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके इस साइड पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, क्योंकि इक्वल शेयरिंग। अगर आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो वो इक्वल शेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो स्ट्रक्चर भी नीट एंड क्लीन नहीं फॉर्म होगा। इधर एक इलेक्ट्रॉन है तो इधर एक रख दीजिए। तो इस तरह से मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस, फाइन। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन रखने जा रही हूँ। तो हाइड्रोजन रखूंगी,
हाइड्रोजन रखने में ये अपना डुप्लेट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। तो हाइड्रोजन मैंने इस तरह से रख दी, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। चलिए, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास, हमें क्या करना है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। चार इलेक्ट्रॉन तो उसके अपने पास थे, और अभी आप हमें पता चल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन से लेगा, क्योंकि अपना उसने अपना इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, तो इट मीन उसके पास पांच इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तीन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट उसे अभी भी है, तो वो अपने नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। एक कार्बन से वो दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और एक कार्बन से वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो उसके पास क्या हो जाएंगे, एट इलेक्ट्रॉन्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे इस तरह से। तो ये क्या हो गया, हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से कार्बन के पास पांच इलेक्ट्रॉन हो चुके, तो सिक्स सेवन और एट, जहां पर उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए वहीं से वो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेंगे भी, शेयर करेंगे। फाइन, तो यहां पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। तो एट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, यहां पर भी हमारे पास एट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, यहां पर हमारे पास एट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, और लास्ट ये रह गए, तो यहां पर एट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो गए। बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है। अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूं तो देखिए किस तरह से ड्रॉ हो रहा है, कार्बन 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 और कार्बन। आपको पता चल रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए वी नीड टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक एक बॉन्ड आपको दिख रहा है हर जगह पे फॉर्म हो रहा है, एक एक बॉन्ड हर जगह पे फॉर्म हो गया। फाइन, अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, फोर इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता चल रहा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, चार इलेक्ट्रॉन्स है। चार इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, दो बॉन्ड फॉर्म होंगे। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन है तो दो बॉन्ड फॉर्म होंगे, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो एक होगा, यहाँ पर चार है तो दो होंगे, और यहाँ पर दो है तो एक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। थैंक यू सो मच।